बालाघाट के जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ ने वेतन समझौता सहित अन्य मांगों के जल्दी निराकरण किए जाने की मांग को लेकर शनिवार और रविवार को माइल गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में उकावा माइल, भरवेली खान, तिरोड़ी खान, चिखला माइल, डोंगरी माइल के कामगार मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला श्रमिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। धरने के वजह से दोनों खदानों में भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान को देखते हुए आखिरकार माइल प्रबंधन ने जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ को 3 महीने की लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद मजदूरों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। धरना प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने एक ही मांग पर ज्यादा जोर दिया कि उनका वेतन समझौता लागू किया जाए। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि माइल लिमिटेड नागपुर के अंतर्गत लगभग 11 माइन संचालित की जा रही है। इसमें मजदूरों का एग्रीमेंट आज तक नहीं किया गया है। मजदूर एवं जनशक्ति मजदूर संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक मजदूरों का एग्रीमेंट समझौता नहीं किया जाएगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लगभग 10 वर्षों से एग्रीमेंट समझौता नहीं किया गया है। कई बार संघ के द्वारा ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। इस कारण एग्रीमेंट समझौता नहीं किया गया है। साथ ही माइल द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कार्मिक अधिकारी माइल भरवेली के असीम शेख ने बताया कि यूनियन का यह गलत तरीके से हड़ताल करना है और इससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, और माइल प्रबंधन के द्वारा 10 से 11 मजदूरों को नोटिस भी दिया जा चुका है। इस प्रकार का कार्य ना करें, उन्हें समझाइश भी दी गई है कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। ये जो जनशक्ति मजदूर संघ द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, इसे कंसीलेशन ऑफिसर द्वारा, जो सहायक श्रम आयुक्त छिंदवाड़ा द्वारा, इन्हें सलाह दी गई है कि इस प्रकार की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि जो ये वेतन समझौता है ये मंत्रालय में लंबित है। इसमें माइल प्रबंधन एवं मान्यता यूनियन द्वारा जो भी भरसक प्रयास किया जाना था किया गया है, और हमारे CMD डायरेक्टर्स इस चीज़ के लिए तत्पर है कि जल्द से जल्द वेतन समझौता हो जाए। मगर अब ये जो ये यूनियन द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है, ये इलीगल वे में की जा रही है, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। इनके ऐसी एक्टिविटी किए जाने के कारण हम लोगों के जो कामगार हैं उन्हें वो मिसगाइड कर रहे हैं कि आप ड्यूटी पे ना जाएं, ताकि प्रबंधन पे प्रेशर बने। मगर प्रबंधन ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यूनियन के माध्यम से, मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से, प्रबंधन द्वारा जो भी समझौता करना था उसे दिल्ली भेजा जा चुका है और उसके लिए कंटिन्यूस प्रयास किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति इसमें जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बालाघाट खान से रिलेटेड हैं और उन्हें बार बार बताए जाने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएंगी। और हम लोगों ने इनमें से 10 से 11 लोगों के शो कॉस्ट नोटिस भी इशू किए हैं कि वो इस प्रकार की गतिविधियाँ ना करें। वहीं जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें 4 वर्षों से गुमराह किया जा रहा है, इसीलिए हम विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रबंधन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो सभी माइल में एक साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे तो प्रमुख मांगे हैं, जो पिछले 4 साल से वेतन समझौता नहीं हुआ है, उससे हमारे कामगार कर्मचारियों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और आर्थिक परेशानी में। दूसरी बात है, जो अनुकंपा है, मेडिकल अनफिट है, ये भर्तियाँ लगभग बंद कर दिए है, और जो ठेकेदारी पद्धति को इन लोग जो प्रमोट कर रहे हैं मैनेजमेंट लोग, हम इसके विरोध में भी हैं। हमारी मांगे है कि एग्रीमेंट और बदली भर्ती। हमारा एग्रीमेंट तो 4.5 साल। अगर से मांगे पूरी नहीं की गई तो आप? हम अनिश्चितकालीन धारणा रखेंगे। जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ की केंद्रीय समिति, सभी ब्रांच और खास करके महिला शक्ति, सभी के सहयोग से ये जो आंदोलन था ये हमारा सक्सेस हुआ है। और प्रबंधन के द्वारा आज हमको लगभग 2 से 3 माह के अंदर एग्रीमेंट होने की संभावना है, इस पर उन्होंने लिखित हमको पत्र दिया। कैसे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। हम तो इसी की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको अप्रूवल कब तक आएगा, एग्रीमेंट कब तक हो जाएगा, हमको सिर्फ लिखित में जानकारी चाहिए, और जो हमको आज मिल गई है। ग्राइंड भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।